हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए राहुल कपूर एंड आज हम बीकॉम का कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट शीट वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट शीट के बारे में देखते हैं। कॉस्ट शीट का क्या रिलेवेंस है कॉस्टिंग में, पहले सबसे पहले देखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको ये 2 या 3 चैप्टर्स में आपको ये कॉस्ट शीट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए भी इसका रेलेवेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको 2-3 जगह इसको पढ़ना ही है, इसलिए इससे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो कॉस्ट शीट के बारे में जो है, जैसे आपको पता होगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्लास 12th में आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, 3 ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, राइट। सो फाइनेंशियल अकाउंट्स आपने अभी तक पढ़ाई है 12th से लेके अब तक। ठीक है, वो सारा फाइनेंशियल जिसमें आप अपनी जो भी कंपनी है उसका प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा आपका जो है रेलेवेंस रहता है कि आपको प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो ये सारे आपको जितने भी काम है जो भी करना होता है किसमें करते हो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हो। ठीक है, वहीं जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हो, एक बार और, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हो, जब आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करो। ठीक है, तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के 2 काम हो गए। एक कि आपको पता है कि आप जो भी कॉस्ट है उसके अंदर आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हो, अपनी कॉस्ट में प्रॉफिट जब ऐड करते हो तो आपको सेल्स मिलती है। तो आपको अगर अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो या तो आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर लो, सेल इंक्रीज होगी तो भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, आप 10 रुपए की कॉस्ट वाली चीज को 5 रुपए में सेल कर रहे हो, सॉरी 5 रुपए प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, तो आप 15 रुपीज में सेल करोगे। ठीक है, अगर आपने अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो आप 15 को बढ़ा के 20 रुपीज में सेल करना शुरू कर दो, और वहीं आपकी कॉस्ट अभी भी 10 रुपीज है, तो कहीं ना कहीं अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 10 रुपीज हो गया। तो ये जो काम है ना, हम प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए जो सेल्स को बढ़ाते थे, ये वाला काम हम करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसका दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर 10 रुपीज आपकी कॉस्ट है और आपको 5 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए तो आप 15 रुपीज में सेल करोगे। ठीक है, वही दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आप सेल्स को नहीं छेड़ो, सेल्स को 15 ही रहने दो, आपकी जो कॉस्ट आ रही थी आप उसको किसी तरह कम कर लो। ठीक है, आप इस कॉस्ट को मिनिमाइज कर लो, 7 रुपए की कॉस्ट कर लो, तब अपने आप देखोगे कि आपका कॉस्ट का, आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो चुका है, 8 रुपीज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप प्रॉफिट को इंक्रीज करते हो, दैट मीन्स आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे जो आपने पढ़ने हैं, ये किसमें पढ़ना है आपने, इस तरीका का ये पढ़ना है आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में, राइट। देन इसके बाद आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आएगी। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको फर्दर आगे वाले जो आपके सेमेस्टर्स होंगे वहां पर देखनी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको क्या करना है, ना ही आपको सेल प्राइस से कोई पंगा है, ना ही आपका कॉस्ट प्राइस से कोई लेना देना है। ठीक है, आपको क्या लेना है इसके अंदर, आपको सिर्फ अपने डिसीजंस लेने हैं। आप डिसीजंस लोगे, डिसीजंस क्या हो सकते हैं, आपके पास कोई ऑफर आया है कि आपको मार्केट में माल जो है बेचना है, तो वो उस ऑफर को आपने एक्सेप्ट करना है या उस ऑफर को रिजेक्ट करना है, ये आप डिसीजन कहाँ लोगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। या फिर आपने कोई प्रोडक्ट अपना बना लिया, प्रोडक्ट आपने बना लिया, अब इसका सेलिंग प्राइस क्या रखा जाए, इसका सेलिंग प्राइस फिक्सेशन कैसे होगा, ये आपको भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात की बात है और ये बीत गई। अभी हमारे हाथ में क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको अपनी कॉस्ट के ऊपर सारा का सारा ध्यान देना है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कैसे कॉस्ट के ऊपर ध्यान दे सकते हो, उसके लिए हम बनाते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट शीट मैं बनाया, सबसे पहले लिखा है टॉपिक का नाम, ये कॉस्ट शीट ही क्या करती है, ये कॉस्ट शीट ही आपको बताती है कि आपकी कॉस्ट कहाँ कहाँ आ रही है और आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है। देखो, आपको कंट्रोल भी करना है कॉस्ट को, तो आपको पता तो होना चाहिए कि मेरी कॉस्ट आ कितनी रही है। तो वो कॉस्ट को कैलकुलेट कौन करके देगा आपको, कॉस्ट शीट। ठीक है,
आगे चलते हैं इसमें। अब जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, भूल जाओ अभी कॉस्ट शीट के बारे में, अब एक्सपेंसेस की बात करता हूँ। एक्सपेंसेस आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है, कुछ डायरेक्ट नेचर के और कुछ इनडायरेक्ट नेचर के, ठीक है। पढ़ा होगा बचपन से ही, पढ़ते आ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे लिखते थे हम, याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी खर्च आते थे वो डायरेक्ट नेचर के होते थे, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे वो सब कहाँ लिखे जाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते, ठीक है। तो कॉस्ट कॉस्ट जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको जो बेसिकली है तीन तरह के मेजर आपके खर्चे होंगे, ठीक है। एक आपको मेटीरियल से रिलेटेड खर्चा होगा आपका, ठीक है। एक आपका लेबर को पेमेंट करोगे, जो आप रखोगे अपने पास लेबर, ठीक है, तो लेबर को पेमेंट करोगे। इसके अलावा जो बच गए अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे ही इनडायरेक्ट नेचर में भी ये तीन होंगे, कुछ मटेरियल इनडायरेक्ट नेचर का होगा, कुछ लेबर इनडायरेक्ट नेचर की होगी, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी, सॉरी डायरेक्ट नहीं, कुछ एक्सपेंसेस भी इनडायरेक्ट नेचर के होंगे, ठीक है। सो इसके अंदर अब आपको क्या रहेगा कि आपको ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, डायरेक्ट नेचर वाला, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने एक शर्ट बनाई, ठीक है। शर्ट बनाने के अंदर जो क्लोथ था, क्या आप क्लोथ को इजिली देख सकते हो शर्ट के अंदर? बिल्कुल देख सकते हैं। तो जो भी मटेरियल आपको अपने प्रोडक्ट में दिख रहा है, ठीक है, जो भी मटेरियल आपको अपने प्रोडक्ट में, चाहे वो शर्ट के अंदर क्लोथ हो गया या फिर उस पे बटन हो गए, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं आप इजीली देख सकते हो अपने मटेरियल में। तो इसका मतलब जो मटेरियल में, सॉरी अपने प्रोडक्ट में, तो जो मटेरियल में अपने प्रोडक्ट में इजीली देख सकता हूं, तो उसको क्या बोलूंगा, ये है डायरेक्ट नेचर का, ठीक है। अब कुछ मटेरियल ऐसा है जो आपको अपने प्रोडक्ट पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी शर्ट बनाने में काम आया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि मशीन से क्लोथ बनाया जाता है, सॉरी शर्ट बनाई जाती है कोई मशीन का यूज करके। अब इस मशीन के अंदर जो मैंने ऑयल डाला था, ठीक है, ये जो ऑयल था, इस ऑयल का यूज हुआ है मशीन में, और इनडायरेक्टली इसी मशीन से मैंने क्या बनाई है, एक शर्ट बनाई है, ठीक है। तो शर्ट के अंदर तो मुझे ये ऑयल दिखेगा नहीं, शर्ट में क्या ये वाला दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिख सकता, अदरवाइज आप शर्ट ही नहीं खरीदोगे वाली। तो ऐसा मटेरियल जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में यूज हुआ है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिख रहा मेरे को मेरे प्रोडक्ट में, उसको मैं क्या बोलूंगा, इनडायरेक्ट नेचर का मटेरियल, ठीक है। सिमिलरली लेबर भी इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो आपकी फैक्ट्री में जितने भी लेबर काम कर रही है, ठीक है, जो भी आपके उसमें फैक्ट्री में लेबर है, ठीक है, जो प्रोडक्ट को बना रही है, ठीक है, शर्ट बनाने में जो जितने भी टेलर वहां पे बैठे हैं, वो सब आपके क्या है, लेबर है, ठीक है, और वो डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि डायरेक्टली उनके बिना तो आप शर्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हो बाहर, अपनी फैक्ट्री से बाहर निकले, और वहां पे खड़ा था एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, और इस सिक्योरिटी गार्ड का कोई लेना देना नहीं है शर्ट के अंदर, ठीक है। इसकी जगह पे कोई और भी होता तो वो भी शर्ट तब भी बननी थी हमारी। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये लेबर जो मैंने टेलर रखे हैं, ये ना होते तो शर्ट ना बनती, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहर गार्ड खड़ा है, ये एक दिन नहीं भी आएगा तो शर्ट तो बनेगी ना। तो इसका मतलब वो लेबर जो हमारी हमारे ऑफिस में है, हमारे पास है, लेकिन वो शर्ट नहीं बनाती, बाकी सारे काम करती है, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट नेचर का, या फिर जिनको हम अपनी फैक्ट्री में नहीं रखते, ऐसे लेबर, ऑफिस वाला स्टाफ हो गया, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंसेस आपको डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपने जितने भी पढ़े हुए थे फैक्ट्री वाले जितने भी खर्चे हैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेने हैं, बस मटेरियल और लेबर छोड़ देना। उसके बाद जो आप पीएनएल में जितने भी एक्सपेंसेस लेते थे वो सब किस में लोगे, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लोगे, ठीक है। अब ब्रॉडर सेंस में आप इनको देखें,
तो ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, ठीक है, तो ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनको हम एक बड़ा नाम देते हैं। वो बड़ा नाम क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये ही हमारे प्रोडक्ट की जो है वो मेन कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट। तो ज्यादातर हमारा खर्चा इसी में हो जाता है। और जो जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं हमारे, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? ओवर हेड्स। ठीक है, ओवर हेड्स इनका नाम रखते हैं। अब ये जो ओवर हेड्स हैं ये अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं। अलग अलग स्टेजेस मतलब कुछ ओवर हेड होंगे ये छोटे मोटे खर्चे, कुछ होंगे फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, कुछ होंगे ऑफिस से रिलेटेड, और कुछ होंगे सेल से रिलेटेड यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ओवरहेड हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, सेलिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखते हुए अब हम एक फॉर्मेट तैयार करने लगे हैं जिसमें हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है अगर आपको ये सारे एक्सपेंसेस पता है। हम देखने लगे हैं फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट एज सच यहाँ पे बस ज्यादा कॉलम नहीं बनेंगे इसमें, एक बनेगा पर्टिकुलर्स का, एक बनेगा अमाउंट का। ठीक है, पर्टिकुलर का एंड अमाउंट का। तो सबसे पहले मैंने जो अपने तीन जो मेन मेरे डायरेक्ट चीजें थी उनको लिख लूंगा, जिसमें हमने लिखा था डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल बोलूं या रॉ मटेरियल बोलूं एक ही बात है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड लेना है या दूसरा नाम बोलूं इसका तो कंज्यूम्ड लेना है। ठीक है, इस बात पे बहुत ध्यान देना कि आपको जो डायरेक्ट मटेरियल लेना है वो या तो यूज्ड लेना है और या फिर कंज्यूम्ड लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। इसके बाद आपको डायरेक्ट नेचर के बाकी एक्सपेंसेस लेने हैं। बाकी में क्या था? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी बोला हो सकता है या डायरेक्ट वेजेस भी बोला हो सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड में डायरेक्ट लेबर के एक्सपेंसेस ऐड कर दो। उसके बाद एक चीज और ऐड कर दो इसमें, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी मैंने बताया था पिछले पेज पे कि ये सारे डायरेक्ट नेचर के जब मैं खर्चे ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद मुझे सारे ओवरहेड्स ऐड करने हैं, और ओवरहेड्स को मैंने क्या किया था? तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, जिसमें सबसे पहले वाला ओवरहेड क्या था मेरा? फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या ऐड करने वाला हूं इसमें? फैक्ट्री ओवर हेड्स। और एक बात याद रखना, फैक्ट्री का नाम यहाँ पे कभी कभी वर्क्स भी बोलेंगे। वर्क्स OH मतलब ओवरहेड भी दिए हो सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर दो। अब जो आपको मिलेगी वो आपको मिल जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब एक बात बताओ, इससे मान लो अभी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भूल जाओ, इसके आगे चल रहे हैं हम। ठीक है, आप स्टॉक के बारे में जानते होगे? बिल्कुल जानते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, तो स्टॉक के बारे में, या स्टॉक कह लो या इन्वेंटरी कह लो, सब जानते हैं इसको। ओके, तो
इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, और इन्वेंट्री के बारे में ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इन्वेंट्री होती कितनी है, इन्वेंट्री कह लो या स्टॉक कह लो। ठीक है, हमारे लिए तो बस ये है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ही होता था अभी तक। ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री को अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो आपको तीन तरह की इन्वेंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री किसकी होगी? एक तो आपका जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल में भी ओपनिंग रॉ मटेरियल भी हो सकता है और क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली जो आप गुड्स प्रिपेयर कर लेते हो, बना लेते हो, मैन्युफैक्चर कर लेते हो, ठीक है, जिसको आप बोलते हो फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये फिनिश गुड्स के अंदर भी आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी मिल सकता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी मिल सकता है। अब इन दोनों के बीच में एक चीज रह गई। ठीक है, क्या रह गया उसको देखते हैं। मान लो ये एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन है जिसका नाम हमने M1 रखा है। आपके पास कुछ रॉ मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ ये रॉ मटेरियल आपने इस मशीन में डालना है, और कुछ रॉ मटेरियल आप इसके अंदर ऑलरेडी भर चुके हो इस मशीन में, और कुछ जो यहाँ से बाहर निकल चुका है मशीन से, उसको आप क्या नाम देते हो? फिनिश गुड्स का नाम देते हो। ठीक है, ये फिनिश गुड्स का नाम देते हो। तो इसके बारे में बात कर ली मैंने, इसके बारे में भी बात कर ली मैंने, लेकिन क्या नहीं देखा मैंने अभी तक? मैंने देखा कि मशीन के अंदर भी तो कुछ मटेरियल अभी बचा हुआ है, मशीन के अंदर भी कुछ मटेरियल अभी बचा हुआ है। इस मटेरियल का नाम रखते हैं हम कॉस्ट शीट में WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया? वो वाला मटेरियल जो अब पूरी तरह से रॉ मटेरियल भी नहीं रह गया, लेकिन अभी तक वो फिनिश गुड्स भी नहीं बचा, तो उसके भी उसको भी यहाँ पर देखते हैं इन्वेंट्री में हम वर्क इन प्रोग्रेस में। तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग भी होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग भी होगा। अब एक बात बताओ, मान लो मैं अप्रैल एंड में अगर मेरा कोई वर्क इन प्रोग्रेस था, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर करूंगा मैं, उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर करूंगा मैं, रिमेनिंग कॉस्ट, ठीक है, अब उसके ऊपर जो कॉस्ट है मैंने इस साल में इस मंथ में ही इनकर कर लेनी है। ठीक है, जिस मंथ में मैं उसको बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड करेंगे अभी बताऊंगा। फिर से सुन लो ये वाली बात, जो मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल होता है, सॉरी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता है, उसको हम ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं? फिर मैं इसको समझाता हूँ। हम आ गए अपने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में। अब यहां पर हमने क्या करना है? ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और माइनस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं मैंने क्यों ऐड किया और क्यों माइनस किया। देखो, जो लास्ट ईयर का WIP था, लास्ट मंथ का कह लो, अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा था, उसमें अप्रैल का जो WIP था, उसके ऊपर जो कॉस्ट इनकर करूंगा मैं, उसको किस किस मंथ में इनकर करूंगा? उसको मैं करूंगा मई के मंथ में। ठीक है, तो अगर मैं मई की कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, अगर मैं मई की कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, तो मई में तो मैं इसके ऊपर और पैसा लगाने वाला हूँ, इसलिए उसकी कॉस्ट मैंने मई वाले मंथ में ऐड कर ली। ठीक है, और जो मेरा मई में WIP बच जाएगा, मई में जो WIP बच जाएगा, उसको मैं जून में उस पर कंप्लीट करूंगा, इसलिए क्या करूंगा? उसको मई वाले मंथ में से माइनस कर दूंगा। तो ये हमारा लॉजिक है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को मैं ऐड कर देता हूँ अपनी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में, वहीं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP को मैं माइनस कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग WIP है, उसमें कॉस्ट हम इस महीने इनकर करेंगे, जिस महीने की कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, और जो क्लोजिंग WIP है, उसमें मैं नेक्स्ट मंथ में जाऊंगा, इस पे कॉस्टिंग जो होगी मेरी। ठीक है, तो ये करने के बाद जो आ गया मेरे पास, उसको मैं बोल दूंगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ये हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब जो नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, मान लो आपके क्वेश्चन में आपको WIP दे ही नहीं रखा। ठीक है, मान लो आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरा ग्रॉस आएगा वही मेरा नेट भी होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलेंगे जहां पर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ही नेट फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद? फर्दर और भी खर्चे होने हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ओवरहेड्स हैं, वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिए थे मैंने? तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिए थे, जिसमें सबसे पहला था फैक्ट्री का ओवरहेड, वो मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पे। अब किसकी बात आ गई? अब हम आ गए ऑफिस की तरफ। तो ये ऐड करने के बाद अब मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पे? ऐड करूंगा
ऑफिस, ऑफिस के साथ एक और नाम जोड़ देते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जो मेरे को मिल गया, सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है जो अब आ रही है, इसका नाम क्या, थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट ही इतना है। अब जो आया है मेरे पास वो आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने तक की सारी कॉस्ट आ गई मेरे पास, ये जो अब यहाँ पर आएगी, ठीक है, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना, काम आएगी आगे हमारे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई सर, अब क्या करें, पेज खत्म हो गया, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट शीट पे, वहां से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, या यहीं पे पूरी बना देता हूँ उनको, एडजस्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक आ चुके हैं हम, आ चुके हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो उन गुड्स की बात करी जो मैंने इस मंथ में प्रोडक्शन किया है, ठीक है। अब जब मैं बेचने जाऊंगा मार्केट में, जब मैं बेचने जाऊंगा तो मैं ये थोड़ी देखूंगा ये मेरा इस महीने का गुड्स है या ये मेरा पिछले महीने का गुड्स है, ठीक है, उसमें तो कोई भी गुड्स हो सकते हैं, पिछले महीने वाले जो मेरे बने हुए गुड्स हैं, बने हुए मतलब फिनिश गुड्स हैं, या फिर इस महीने वाले फिनिश गुड्स हैं, ठीक है। तो अब जब मैं बेचने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जो पिछले महीने मेरे नहीं बिक पाए थे उनकी कॉस्ट मैं इस मंथ की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, पर वो इस महीने में प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, इसलिए उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मैंने बाद में ऐड किया, ठीक है। यानी कि अब मैं ऐड करूंगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसकी क्या ऐड करूंगा, इसकी कॉस्ट ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस महीने यानी कि मई की अगर मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ तो मई के मंथ में मैं इसको बेचने वाला हूँ, इसलिए इसको मैंने ऐड कर दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मई वाली। वही जो मैं इस मंथ नहीं बेच पाऊंगा वो इस मंथ की कॉस्ट से भी हटाना पड़ेगा, इसलिए उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को मैं यहाँ से कॉस्ट को हटा दूंगा, ठीक है। ये कॉस्ट कैसे निकलती है इस पे अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर दिया, अब क्या आ गया, अब जो मैंने गुड्स बेचे हैं ना उनकी कॉस्ट आ गई, ये तो मैंने हिंदी में बोला है, इसको अगर मैं टेक्निकली बोलूं तो क्या, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स मैंने बेच दिए ये मेरे को आ गई उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो क्या सिर्फ जो यहां तक मेरे गुड्स बिक गए, अभी नहीं बिके, अभी तो और भी कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। फिर से वही बात मैंने आपको बताया था, ओवरहेड 3 लेवल पे आएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड पे आ गए मेरे, ऑफिस वाले खर्चे आ गए मेरे, अब कौन सा, अब ये जो गुड्स मेरे पास कॉस्ट हैं जिनको मैं बेचने जा रहा हूँ, क्या घर बैठे बैठे बेच लूंगा, ऑफिस में बैठे बैठे बेच लूंगा, बिल्कुल नहीं बेच सकता ना। तो क्या करूंगा, अब इसमें ऐड करूंगा सेल के खर्चे, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में यहाँ बेच दूंगा, फिर मुझे क्या मिल जाएगा, जितने भी मैंने गुड्स बेचे हैं उनकी सेल, उनकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जो गुड्स मैंने सेल कर दिए उनकी क्या कॉस्ट थी।
अब यहाँ पर मेरे को क्या है कि मैं देखूंगा मैंने सेल कितने में किया, ठीक है, अब मैं देखूंगा मैंने सेल कितने का किया, और फिर ये जो बैलेंसिंग वगैरह है ये मुझे बताएगी कि मुझे प्रॉफिट हो गया या फिर लॉस हो गया, ठीक है ना। यहां पर मेरे को प्रॉफिट भी मिल सकता है और लॉस भी मिल सकता है। कैसे? मान लो मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स तक मेरा अमाउंट आ रहा था मान लो 75 रुपीज का, और मैंने वो गुड्स को सेल किया 100 रुपीज में, तो सीधी बात है कॉस्ट मेरे को 75 आ रही थी, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब अब तक की टोटल कॉस्ट, तो ये जो मेरे को 25 रुपीज हो गया ये प्रॉफिट हो गया। वही मैं मान के चलता हूँ कि मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे को यही 75 आ रहा था और मैंने सारे गुड्स बेच दिए 60 रुपीज में, तो बेवकूफी कर दी मैंने, 75 रुपीज की कॉस्ट वाले गुड्स को मैंने 60 रुपीज में, तो 15 रुपीज का क्या आ गया, लॉस आ गया। तो यहाँ पर कॉस्ट शीट में आपको क्या करना होगा, बैलेंसिंग फिगर करके प्रॉफिट या फिर लॉस को फाइंड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें थी जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट शीट बनाई है मैंने, कॉस्ट शीट में कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होंगी, जो आपको कैलकुलेट करनी होंगी, जिसमें सबसे पहला काम है इसका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, आपको परचेज दे सकते हैं लेकिन आपको कभी कभी कंज्यूम्ड मटेरियल नहीं दिया होता, तो आपको कंज्यूम निकालना होगा। कंज्यूम भी क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं इस मंथ की कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, तो इस मंथ के खर्चे जो है मेरे वो लूंगा, इसलिए डायरेक्ट मटेरियल कौन सा लूंगा जो मैंने इस मंथ में कंज्यूम किया है, ठीक है। दूसरी बात जो यहाँ पर हमने सीखनी है वो सीखनी है ये जो हमारा ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट और जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करनी है, वो हमें मोस्टली क्वेश्चन में नहीं अवेलेबल होगी, और जब वो अवेलेबल नहीं होगी हमें तो हमें कैलकुलेट करनी होगी, तो उसके लिए भी वर्किंग नोट बनाना होगा, और कुछ चीजें और भी हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे को डायरेक्ट मेटीरियल कंज्यूम्ड नहीं है क्वेश्चन में तो मैं उसे कैसे फाइंड करता हूँ, और देखते हैं इसको। तो ये वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ सकता है कभी कभी, वर्किंग नोट, इस वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल या फिर डायरेक्ट मटेरियल, तो मैं ऑल्टरनेटिवली कुछ भी बोल दूंगा, कभी डायरेक्ट मटेरियल कभी रॉ मटेरियल, एक ही बात होगी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया या फिर कितना रॉ मटेरियल यूज किया, तो इसकी बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, आपको कोई इसमें फॉर्मूला या कुछ फॉर्मेट इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मैंने यहाँ पे लिख लिया, मान के चलो मेरे पास 10 यूनिट्स का रॉ मटेरियल पड़ा था, फिर मैंने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, इससे काम नहीं बनना था तो मेरे को और परचेज करना पड़ा, परचेज ऑफ रॉ मेटीरियल कर लिया। वहीं अगर जब आप परचेज करने जाओगे तो आपको कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं, जैसे कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, मतलब इनवर्ड होना जरूरी है, नहीं भी होगा तो इनवर्ड ही मान लेना, आउटवर्ड के लिए नहीं माना जाता, आउटवर्ड तभी मानेंगे जब लिखा जाएगा। तो इनवर्ड का खर्चा क्या है, मतलब आप अपने बाहर से कोई चीज अपने फैक्ट्री में ला रहे, तो परचेज क्या कर रहे होगे, रॉ मटेरियल, जब कुछ ला रहे हो तो रॉ मटेरियल ला रहे होगे ना, इसलिए उससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो भी परचेज में ऐड हो जाएंगे, तो ये मैंने यहाँ पर इसको टोटल कर दिया, तो ये मेरे हो गया पहले का कितना रॉ मटेरियल था और मैंने और कितना परचेज किया, मान लो ये टोटल जो क्लब करके बना मेरा 100 रुपीज का रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, कुल मिला के मेरे पास 110 रुपए का रॉ मटेरियल हो चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारा मटेरियल यूज नहीं भी होगा तो उस जो नहीं यूज होगा उसको क्या करूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, सो माइनस कर दूंगा यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो यूज नहीं कर पाया उसको माइनस कर दो, ठीक है। अब मैंने मान लो यहाँ पे 20 यूनिट्स मेरे यूज नहीं हुआ या 20 केजी यूज नहीं हुआ, तो 90 केजी मेरा, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो यही मेरा रॉ मटेरियल यूज माना जाएगा, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ रॉ मटेरियल मेरा वेस्ट जाता है, ठीक है ना, खराब निकलता है, तो उसको मैं स्क्रैप में बेच देता हूँ, तो सेल ऑफ वेस्ट, वेस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, इस बात पे ध्यान देना, वेस्ट, तो ये जो मैंने वेस्ट बेच दिया है
इससे भी कुछ पैसा आ जाएगा मेरा, तो वो यूज नहीं हुआ ना, जो वेस्ट हो गया वो यूज नहीं हुआ, तो बाकी जो रॉ मटेरियल है वो क्या हो गया, यूज्ड आ गया। ठीक है, तो ये मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली, मान लो 5 रुपए का मेरा रॉ मटेरियल का सेल वेस्ट सेल हो गया था, तो ये मेरे को 85 रुपीज का रॉ मटेरियल यूज हुआ। इसको फिर से देख लेते हैं, 10 रुपीज का रॉ मटेरियल मैं लाया था, सॉरी पहले का बचा हुआ था, 100 रुपीज का रॉ मटेरियल मेरे को परचेज करना पड़ गया, और उसको परचेज करने में रिक्शा वगैरह का जो भी खर्चा हुआ वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो मेरे पास टोटल रॉ मटेरियल कितने का हो गया, 110 रुपीज का। अब कुछ रॉ मटेरियल इस मंथ यूज नहीं हो पाया, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, तो यानी कि 90 का यूज हुआ। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको कभी कभी दी हो सकती है कि कुछ रॉ मटेरियल आपका खराब हो गया था, वेस्ट हो गया था, उसको मैंने बेच दिया 5 रुपीज में, मान लो मैंने सेल कर दिया, तो यानी कि यूज तो मेरा अल्टीमेटली 85 ही हुआ। तो ये आपको फॉर्मेट याद रखना होगा। ओके, अब चलते हैं एक और वर्किंग नोट पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट टू, इसमें आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चन में या तो क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स दी होंगी या ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स दी होंगी, ठीक है ना? तो जब आपको इनकी यूनिट्स दे रखी है, और कॉस्ट शीट में तो यूनिट से कोई लेना देना ही नहीं, आपको तो न्यूमेरिकली जो भी इनका अमाउंट होगा वो लिखना है, तो आपको अगर कॉस्ट पर यूनिट पता चल जाती है तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे मेन काम हमारा क्या हो गया, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसका भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कैलकुलेशन करना। आप तो जब कॉस्ट शीट बना रहे थे तो एक जगह पे क्या आया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, याद होगा जो मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट कराया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान से देख लो। तो ये टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आई प्रोडक्शन करने की, अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करके मेरे को क्या मिल जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है मान लो 34,000 और मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस करी है मान लो 510 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करी है, तो मेरी एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई, जीरो से जीरो कैंसिल, 200 आया, तो इसको डिवाइड कर लो इससे, 66.67 समथिंग, ठीक है। तो ये मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अगर मेरे को पता है कि ओपनिंग स्टॉक की 1000 यूनिट्स हैं और क्लोजिंग स्टॉक की 500 यूनिट्स हैं, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी, 500 से मल्टीप्लाई कर दो, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी, राइट। अब दूसरा जो तीसरा वर्किंग नोट सॉरी जो बनेगा वो क्या बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। अब जा रहे हैं हम बनाने वर्किंग नोट थ्री, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए, ठीक है, और कभी कभी आपको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड भी चाहिए होंगी, वो हम क्वेश्चन जब करेंगे वहां देखेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस या नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, आपको इन दोनों में से कोई ना एक फिगर तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक ऐसा फॉर्मूला जिससे जो भी मिसिंग है वो निकाल लेंगे इजीली। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने निकालना है यूनिट सोल्ड, आपने निकालना है यूनिट सोल्ड की कैलकुलेशन कर रहे हो, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट की नहीं, यूनिट्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे अब आपके पास कुछ फिनिश, देखो जो बेचोगे वो क्या बेचोगे, फिनिश गुड्स बेचोगे ना, तो यहाँ पे सारी कैलकुलेशन फिनिश गुड्स के हिसाब से करनी है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आपके पास इस मंथ के शुरू में जो भी था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें ऐड कर लेंगे जो मैंने इस महीने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स उसको ऐड कर लो। अब आपके पास टोटल स्टॉक हो गया, कुछ पिछले महीने का पड़ा था, कुछ इस महीने आपने और प्रोडक्शन किया, फॉर एग्जांपल 20 यूनिट्स मान लो आपके पास लास्ट मंथ की पड़ी थी, जो इस मंथ के लिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, और 500 यूनिट्स आपने और प्रोडक्शन कर लिया, तो अब आपके पास आपके गोडाउन में कितनी यूनिट्स हो गई फिनिश गुड्स की, 520 यूनिट्स हो गई। अब क्या ये सारी की सारी बिक गई, अगर सारी बिक गई तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कुछ बच गई तो वो माइनस कर लो, मतलब कि
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आप यहां से माइनस कर सकते हो, माइनस कर दिया मैंने। अब मान लो इसमें से आपके 30 यूनिट्स नहीं सेल हुई, तो आप माइनस कर दो ना, कितनी बच गई, 490 यूनिट। ये कौन सी है जो बिक गई होंगी, 520 टोटल थी, जब आप गोडाउन चेक करने गए तो 30 दिखी, इसका मतलब बाकी क्या माना जाएगा कि सेल हो गई। तो यहां से हम यूनिट सोल्ड निकाल सकते हैं। और इसकी अगर मैं बैक कैलकुलेशन कर दूं, यूनिट सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूं और प्रोडक्शन ऑफ ये माइनस कर दूं, या फिर ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूं, तो मेरे पास प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी थे वर्किंग नोट्स थे कॉस्ट शीट बनाने के लिए। ठीक है, इनको ध्यान से देख लो एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। जी।